दोस्तों कल के मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पॉइंट्स टेबल में बिल्कुल टॉप पर बनी हुई थी, लेकिन कृष्णप्पा गौतम के एक कैच छोड़ने की वजह से वह ना सिर्फ मैच को हार गई बल्कि सीएसके को अपनी टॉप पोजीशन भी गंवानी पड़ी। दिल्ली के खिलाफ चेन्नई को मिली हार का सबसे बड़ा कारण कृष्णप्पा गौतम रहे, जो कि 12वें खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर एक खिलाड़ी की जगह फील्डिंग करने आए थे। यह सब कुछ हुआ पारी के 18वें ओवर में, जब दिल्ली को 16 गेंदों में 22 रन चाहिए थे। ड्वेन ब्रावो की एक फुल टॉस गेंद पर कृष्णप्पा गौतम ने शिमरॉन हिटमायर जैसे आक्रामक खिलाड़ी का एक आसान सा कैच छोड़ दिया और ऊपर से गेंद बाउंड्री पार भी चली गई, यानी जिस गेंद पर हिटमायर आउट हो सकते थे वहां उन्हें जीवन दान तो मिला ही, साथ ही एक चाका भी मिल गया और यहीं से दिल्ली को वो मोमेंटम मिल गया जो उसे चाहिए था। अगर गौतम इस कैच को लपक लेते तो चेन्नई की जीत पक्की हो सकती थी, क्योंकि दिल्ली के पास हिटमायर के बाद कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो बड़े शॉट खेल सके, लेकिन आखिर में दिल्ली ने 3 विकेटों से यह मैच जीत लिया और सीएसके को पछाड़कर खुद पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। कैच छोड़ने वाले कृष्णप्पा गौतम को चेन्नई ने ऑक्शन में 9 करोड़ 25 लाख रुपए की बड़ी कीमत पर खरीदा था, लेकिन अभी तक चेन्नई की टीम ने उन पर ज्यादा विश्वास नहीं जताया है और उन्हें अब तक हुए 13 मैचों में से एक मैच खेलने का भी मौका नहीं दिया गया है। ऊपर से गौतम खास मौके पर हिटमायर का कैच छोड़कर चेन्नई के लिए सबसे बड़े विलन साबित हो गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।